हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इफेक्ट उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है जहां एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो एक्सप्लेन करने के लिए हमने एग्जांपल लिया इथीन। इथीन के अंदर डबल बॉन्ड दो एक जैसे एटम के बीच में, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के टुवार्ड्स ट्रांसफर या डिस्प्लेस नहीं होंगे। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एच आयन, ये एच आयन यहां पर है अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें एक टाइप है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल ही अटैकिंग रीजेंट है। इसकी प्रेजेंस में ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के टुवार्ड्स शिफ्ट हो जाएगा। और यहां क्योंकि एक जैसे एटम है तो किसी भी एटम के टुवार्ड्स ये शिफ्ट हो जाएगा। इसी शिफ्ट होने को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड टुवार्ड्स वन ऑफ द एटम इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजन। आ गया था इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। ये टेंपरेरी इफेक्ट है। टेंपरेरी क्यों है? क्योंकि ये अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस में ही होती है। और सेकंड इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, इट टेक्स प्लेस ओनली इन मल्टीपल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। ये उन्हीं कंपाउंड में होती है जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो और उसके साथ साथ अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस हो। नेक्स्ट इसकी टाइप्स, दो टाइप्स की इफेक्ट होती है। शॉर्ट में ई इफेक्ट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक को ई कह सकते हैं। प्लस ई इफेक्ट, ये क्या है? इफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवार्ड्स अटैकिंग रीजेंट, इट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। जैसे एग्जांपल लिया हमने, इथीन है। अभी जैसे बताया था ये सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड है क्योंकि दोनों कार्बन के साथ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये किसी एक एटम के टुवार्ड्स शिफ्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एच आयन। अब अगर मान लो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस एटम के टुवार्ड्स आए हैं, तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कहां जाएगा? जिसमें नेगेटिव चार्ज है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये एच आयन किसकी तरफ गया? जहां इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो जहां जिस तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं उसी एटम के साथ अगर अटैकिंग रीजेंट बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो कहलाती है प्लस ई इफेक्ट। एग्जांपल अगला लिया हमने, ये अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड है क्योंकि यहां दोनों कार्बन के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? वो CH3 की वजह से, देखो रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवार्ड्स राइट साइड में है, तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो H प्लस इसी कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? इंटरमीडिएट। नेक्स्ट आता है माइनस ई इफेक्ट, इसके अपोजिट है। अपोजिट कैसे है? इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ जाए और रीजेंट है वो उसे डिफरेंट एटम की तरफ जाए। जैसे यहां एग्जांपल लिया हमने, ये एल्डिहाइड या कीटोन है, तो यहां क्योंकि डबल बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो ऐसा होने से कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ओ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। CN नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो ये नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा? पॉजिटिव वाले के पास। तो इस केस में क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं टुवार्ड्स ऑक्सीजन और रीजेंट ने बॉन्ड फॉर्म किया है विद कार्बन। तो अलग अलग एटम के साथ ऐसा हुआ, इलेक्ट्रॉन एक तरफ गए हैं, रीजेंट दूसरी तरफ गया है, तो ये क्या कहलाती है? माइनस ई इफेक्ट। तो डिफाइन कैसे किया? इफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम अटैकिंग रीजेंट, इट इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। तो ये कंप्लीट है अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।